हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारी इस चैनल में। अगर आप समुद्र तटों की यात्रा करना चाहते हैं तो अंडमान, लक्षद्वीप, गोवा से हटकर गुजरात में आ सकते हैं। गुजरात में काफ़ी सारे समुद्र तटों हैं और भी गुजरात में बहुत सारी घूमने की जगह है। तो आज हम गुजरात में स्थित 10 फेमस बीचेस के बारे में बताएंगे। तो चलिए लेट्स ट्रैवल। सबसे पहले बात करते हैं दीव बीच की। दीव गुजरात के दक्षिणी तट के करीब एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है। दीव देश के अन्य समुद्र तट स्थलों से बहुत अलग है और बहुत कम पर्यटक इसके बारे में जानते हैं। तो आइए हम कुछ खूबसूरत समुद्र तटों की यात्रा करें जो दीव पर्यटन के अंतर्गत प्रमुख है। वैसे तो दीव में बहुत सारे बीचेस हैं, पर उनमें से नागवा बीच, खोखला बीच, जलंधर बीच, गोमती माता बीच, चक्रतीर्थ बीच, खोड़ियार बीच जैसे दीव में बीचेस है जहाँ घूमने जा सकते हो। दूसरे स्थान पर है द्वारका बीच। गुजरात में स्थित द्वारका हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है और चार धामों में से एक है। द्वारका और इसके आसपास कई खूबसूरत मंदिर है और यह स्थान अरब सागर के तट पर स्थित है। अरब सागर तट के साथ द्वारका बीच शाम को समय बिताने के लिए अच्छी जगह है। द्वारका बीच शहर के मुख्य मंदिर से काफ़ी करीब स्थित है। द्वारका बीच साफ सुथरा है जो सैलानियों और तीर्थयात्रियों के बैठने और उनकी शाम बिताने के लिए एक शांत वातावरण प्रदान करता है। तीसरे स्थान पर है माधवपुर बीच। माधवपुर बीच गुजरात के प्रमुख शहर और महात्मा गांधी की जन्मभूमि पोरबंदर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह बीच एकदम शांत है। यह बीच भी अरब सागर के तट पर स्थित है। माधवपुर बीच पर लोगों की भीड़भाड़ बहुत ही कम होती है। यहाँ पर बहुत ही कम सैलानियों आते हैं, इसलिए यह बीच शांत और बेहद खूबसूरत बीच है। अब बात करते हैं चोरवाड़ बीच की। गुजरात के सुप्रसिद्ध शहर सोमनाथ से 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चोरवाड़ एक साफ समुद्री तट है। हालांकि यह आज अपने अच्छे हाल में नहीं है और तैराकी के लिए असुरक्षित स्थान है। यह समुद्री तट आराम करने के लिए एक उत्तम स्थान है और यहाँ की ठंडी हवा आपके चेहरे को दुलार करती है। पांचवें स्थान पर है सोमनाथ बीच। सोमनाथ भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में माना एवं जाना जाता है। सोमनाथ महादेव के पास ही सुंदर सोमनाथ का समुद्री तट आया हुआ है। सोमनाथ बीच की लहरें मंदिर की दीवार पर टकराती है और यहाँ के कैमल राइड और नाश्ते का आनंद भी लिया जा सकता है।